और तुम्हें याद है कैसे हमने रिचर्ड के साथ वो विचक्राफ्ट वाला प्रैंक किया था? उसको लगा था कि उसकी ग्रैंडमा उससे सच में बातें कर रही है। मुझे सब याद है। और तुम उस पर चंडीगढ़ के फ्यूचर बाबा जी लग रहे थे। जाओ बिल्कुल वैसे ही चली जाओ जब कॉलेज के टाइम पर आइसक्रीम ट्रीट देने से पहले तुम भाग जाया करती थी। जाओ जी, क्योंकि मी तलावत यूएस लंदन यूके लंदन में पढ़ा है और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, तो वहाँ पर उसकी एक दोस्त थी तान्या और उसके साथ पढ़ाई की है, बहुत सारी मस्ती की है कॉलेज दिन में। हम हर कोई अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है, वैसी मस्ती करते हैं। और अब क्योंकि जब मीत प्रेग्नेंट है और दोनों मीत माँ बाप बनने वाले हैं, तो मीत चाहता है कि एक अच्छा सा फ़ोटोशूट हो जाए। और जो उसकी दोस्त है तान्या, वो इंडिया की जानी मानी फोटोग्राफर है, तो क्यों ना उसी को बुलाया जाए। और अब वो आ गई घर में और धूम मचा रही हैं ऑलरेडी। तेज भाई, होशियार जी, जो मासूम दी, सबको उसने इंक्लूड कर लिया है घर में, हुआ चल रहा है। तो यही है, दोस्त आ गई है घर में जी। दोस्त तो हमेशा स्पेशल होते ही हैं, लेकिन द स्पेशल वन की जगह नहीं ले सकते ऑफकोर्स। तो दोस्त तो स्पेशल है। और वैसे ही मीत शाहबाद गई, तो वैसे ही दोस्त से कुछ बातें हो रही हैं और तो कुछ नहीं। और अलावत मीत को मिस भी कर रहा है, तो सोच रहा है कि क्या करूं, चलो तान्या से बातें कर लेते हैं जी। मीत को बार बार बोला मैंने, पूछा कि मीत मत जाओ यार, क्या करोगे वहाँ जाके, बोर हो जाओगे, दिल नहीं लगेगा, मेरा ख्याल सताएगा, जोक्स कौन पर सुनाएगा, तुम्हें ह्यूमर मेरे मिस करोगी, क्या करोगी, चलो मैं भी चलता हूँ, हर चीज़ करके। लेकिन मीत की रीत है, अभी मीत को जाना था शाहबाद, चली गई बच्चे का ध्यान रखने, और माँ और दादी से बेहतर ख्याल कौन रख सकता, तो चली गई है। तब तक कुछ नहीं, घर में घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। बाकी मीत को बहुत ज़ोर से याद आ रही है मीत की, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता। मीत बेबी बॉय चाहती है और मैं बेबी गर्ल चाहता हूँ। इन माई लाइफ ऑल्सो समडे इन माई लाइफ आई वॉन्ट टू हैव अ डॉटर, सो आई वॉन्ट टू हैव माई लिटिल गर्ल समडे। अभी तो टू यंग टू से ऑल दिस, बट येस आई हैव ऑलवेज हैड दिस फीलिंग, आई एम वेरी इमोशनल लाइक दैट। सो होपफुली वेन आई हैव माई लिटिल गर्ल, आई गिव हर एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड एंड एवरी थिंग आई कैन डू इन माई पावर और बियॉन्ड दैट। येस आई ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। You guys have blessed me with love, all the characters that I have gotten to do. I never had a filmy background, I never had any support system. I have started from bits and pieces and whatever little that I have done, aap logon ne har cheez ko pyar diya hai. And main koi conventional TV hero nahi hu, main villain bhi hu, main hero bhi hu. I have done comic parts also, so whatever little that I have done, aapne hamesha pyar diya hai, aise hi accept karte rahe aur main apni mehnat mein koi kami nahi rakhne wala hu. So guys, keep showering me with love and keep the blessings coming. Thank you, bye. किसी चक्कर में थोड़ा सा।